फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र फल्टिया आप सभी का अपने ग्रुप में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, एचटेट में, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला, बीएड लेवल में, पीजीटी टीजीटी लेवल में पूछे जाने वाला एक ऐसा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। ध्यान इसमें ये रखना है कि इसमें वीडियो को अपना पूरा देखना है, केवल समझना है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। आज के टॉपिक में, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है शब्दकोश के अनुसार शब्दों का क्रम। आप सभी को पता है कि एचटेट के अंदर टीजीटी पीजीटी लेवल में एक क्वेश्चन आता है ये, और हम अक्सर गलत करके आते हैं। इसका कारण सबसे बड़ा जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में आए, आपको अच्छा लगे तो शेयर दोस्तों से शेयर कीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो देखिए शब्दकोश के अनुसार शब्दों का क्रम। तो देखिए, अगर आपको सबसे पहले वर्ण विच्छेद अगर आपको करना आता है, वर्ण विच्छेद अगर आपको करना आता है किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद, तो आपका ये टॉपिक है कंप्लीट, वरना आपको बड़ी समस्या आएगी। इसमें एक नियम ये ध्यान रखना है आपको कि जैसे अक्षय है, त्रय है, गय है, श्रय है, इनका ये ध्यान रखना है, इनमें केवल ध्यान रखना है, इनका कोई अलग से नियम नहीं है। आपको मैं समझा दूंगा कि क प्लस स के योग से बनता है, तय प्लस र के योग से बनता है, ज प्लस य के योग से बनता है, श प्लस र के योग से बनता है। एक तो ये ध्यान रखना आपको, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है ये कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ वर्ण विच्छेद करेंगे आप, तो ऐसे नियम में आपको ये ध्यान रखना है कि शब्दकोश के अनुसार जब शब्दों को लगाएंगे तो आप उनका वर्ण विच्छेद कीजिए। सबसे पहले जो शब्द, जो भी कोई शब्द देता है ना, उसमें वर्ण विच्छेद कर दीजिए आप। उसके बाद में देखिए क्या है कि जैसे आपको एक नियम आपको बता देता हूँ, अपना नियम क्या है कि आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि सबसे पहले जो है शब्दकोश में अगर लगाएंगे आप, तो ये ध्यान रखना है कि अनुस्वार और अनुनासिक और विसर्ग जो होते हैं ना, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये सबसे पहले आपको देखना है। सबसे शब्दकोश में स्वरों से भी पहले आते हैं। देखिए, आपने इतना जरूर पढ़ा होगा कि सबसे पहले स्वर आते हैं, उसके बाद व्यंजन आते हैं, परंतु आप ये ध्यान रखना है कि स्वरों से भी पहले अनुस्वार, फिर अनुस्वार और अनुनासिक एक जैसे ही प्रयोग होते हैं, उसके बाद में विसर्ग का प्रयोग होता है। उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके स्वर शुरू होते हैं ना, उसके बाद में स्वर आते हैं, ये ध्यान रखना है, ए है जैसे आ, इन सब की मात्राएं आपको ध्यान रखना है, और ऐसे चलते चलते ये जो है आपको ए ऐ ओ औ तक ये ध्यान रखना है, ये सारे के सारे। एक ये ध्यान रखना है री का उच्चारण, यहां आपको ये ध्यान रखना है उ औ के बाद री का उच्चारण होगा, फिर ए ऐ आ जाएगा, ठीक है, फिर ओ औ तक यहां सेम रहना है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कोई भी शब्द में कहीं अनुस्वार या फिर अनुनासिक चंद्रबिंदु जिसको बोलते हैं, या फिर विसर्ग तो नहीं है। अगर ऐसा कंडीशन रहता है तो आपको सबसे पहले वहीं पर जांच करना है, उसके बाद आगे जाना है। जैसे देखिए, मैं एक आपको एक शब्द दिखाता हूं, तो देखिए दोबारा से मैं बता देता हूं कि यही है इस शब्दकोश में सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो यही है कि आपको सबसे पहले देखना है कि कहीं अनुस्वार अनुनासिक और विसर्ग तो नहीं है। अगर वो है तो वो सबसे पहले स्वरों से भी पहले आएंगे। उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है, ये नहीं है तो सबसे पहले आपको देखना है कि कहीं शब्द में ए तो नहीं है, ए नहीं तो आ है, या फिर ऐसे चलते जाएंगे रिक नहीं है, मतलब जांच करना है आपको पहले, सबसे पहले कि स्वर है या नहीं। उसके बाद में स्वरों के बाद आता है व्यंजनों का स्थान, उसके बाद में आ जाएंगे आपके व्यंजन, और व्यंजन वैसे ही चलते रहेंगे जैसे आप देखते हैं, क्रम से चलते रहेंगे। उसके बाद में जैसे देखिए आप, एक मैंने लिखा अंतर, एक मैंने लिखा अजर, यहां बताना है आपको कि प्रथम स्थान पर कौन सा आएगा। तो देखिए, मैंने ये बताया कि ए है, यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है, दोनों में ए है, परंतु यहां पर आपको बहुत अच्छे से बताया है अनुस्वार है, तो पहला कौन सा आएगा,
पहले नंबर पर जो प्रथम स्थान पर जो आना है वो आपका कौन सा आ जाएगा, एंतर आ जाएगा, एंतर आ जाएगा, एंतर शब्द है पहले आएगा, क्योंकि हमने यही देखा भाई नियम ही है ये, सबसे पहले हम देखेंगे कि कहीं भाई अनुस्वार अनुनासिक के या विसर्ग तो नहीं है, और हमने देखा कि है तो पहले इन दोनों में से ही बताना था, तो पहले स्थान पर ही आ गया। ऐसे ही देखिए क्योंकि ये अनुस्वार युक्त शब्द है तो पहले आएगा और पहले स्थान पर ही आ जाएगा ये। ऐसे ही देखिए मैंने बताया कि भाई ये जो है ये दोनों सेम माने जाते हैं, इन दोनों का प्रयोग अनुस्वार और अनुनासिक का ये दोनों प्रथम स्थान पर ही माने जाते हैं, इनमें पहला दूसरा कुछ नहीं है, इनमें ये दोनों बराबर ही माने जाते हैं। पहले आप जांच कीजिए कोई इनमें से तो है नहीं, अगर दोनों आते हैं तो आपको क्या कंडीशन करना है, जैसे मैं ये कहूं कि भाई एक आंतरिक लिख दिया और एक आंख लिख दिया, और इसमें आपसे मैं पूछता हूं कि पहले स्थान पर कौन आएगा, तो आपने इसका वर्ण विच्छेद किया कैसे, देखिए जैसे आ लिख दिया, फिर तय लिख दिया, फिर रे लिख दिया, फिर कै लिख दिया, फिर यहां पर देखिए आंतरिक बना दिया, आंख जैसे आप लिखेंगे तो आपको देखिए आंख लिखा, आपका आंख का क्या होगा, आ प्लस के। तो यहां ये ध्यान रखना है कि भाई मैंने ये बताया कि ये और ये दोनों तो प्रथम स्थान पर ही माने जाएंगे, तो चाहे तो यहां अनुस्वार हो या फिर अनुनासिक हो दोनों सेम आ गए, तो यहां अंतर कैसे करेंगे, आप इनको फर्स्ट फर्स्ट सेम कर दिया, ठीक है भाई अब अगले नंबर पर चलिए, यहां तय है और यहां खै है, तो आप देखिए यहां खै और यहां तय, तो पहले तय आएगा या फिर खै आएगा, तो पहले खै आता है, पहले व्यंजन में देखेंगे आप यहां भी व्यंजन है यहां भी व्यंजन है, तो पहले तय आता है या खै आता है, पहले खै आता है, तो पहले स्थान पर कौन सा आएगा, प्रथम स्थान पर क्या आएगा, आंख आ जाएगा, दूसरे स्थान पर आंतरिक आ जाएगा। ध्यान रखना है इस विशेष बात को कि ये अनुस्वार और अनुनासिक लगभग प्रथम स्थान पर ही रहते हैं, विसर्ग फिर उसके बाद विसर्ग का नंबर आता है, तो ये ध्यान रखना है कि आंतरिक और आंख इसमें ये ध्यान रख लीजिए आप प्रथम स्थान पर कैसे, ये दोबारा से ध्यान रखना है, आंतरिक में दोनों सेम है, यहां पर आपने देखा कि खै पहले आता है तो प्रथम स्थान पर आ गया। अब देखिए अगला, ये दोबारा से मैंने बता दिया आपको कि कै प्लस है क्षेत्र है जय प्लस ये प्लस है प्लस रे प्लस रे, परंतु यहां आपको एक विशेष ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है अपना नंबर दो में क्या लिखा देखिए कि निर्नुनासिक वर्ण वर्ण अनुस्वार युक्त वर्ण तथा विसर्ग युक्त वर्ण के बाद आता है, कैसे देखिए तथा अंतिम स्वर ओ के बाद वर्णों की शुरुआत होती है, मैंने ये पहले ही बता दिया आपको, ये ध्यान रखना है। जैसे मैं तीन शब्द लिखता हूं भाई, दुख लिख दिया, दुकान लिख दिया और दुम्भी लिख दिया, और आपसे पूछ लिया कि फर्स्ट स्थान पर कौन सा आएगा, तो मैंने सबसे पहले ही बता दिया आपको कि ये ध्यान रखना है, ये अनुस्वार वाला जो है ये ध्यान रखना है सबसे पहले, तो यहां दुम्भी आ जाएगा। फिर मैंने बताया कि दुख लिखा हुआ है, मैंने बताया कि आपको ये जो है ना विसर्ग जो है आपके बाद में आते हैं, तो अनुस्वार अनुनासिक के बाद विसर्ग का स्थान आता है, तो यहाँ ये आ गया। फिर देखिए ये आ जाएगा दुकान, तो इसमें कोई बड़ा रोल नहीं है, ऐसे में ध्यान रखना है सबसे पहले अनुस्वार या फिर जो है ना आपका अनुस्वार या फिर जो आपके जैसे दे दिया अनुस्वार या फिर अनुनासिक है, ये दोनों सेम माने जाएंगे, उसके बाद विसर्ग का, तो ये विसर्ग आ गया, यहाँ दुदम्बी पहले स्थान पर आ जाएगा, फिर दुख आ जाएगा, फिर दुकान आ जाएगा। अब देखिए देखिए सबसे विशेष जो पॉइंट है, जैसे क्षमा क्षमा लिखा मैंने, क्या लिखा मैंने, कंवार लिखा मैंने और क्रम लिखा मैंने, अब मैं आपको इनमें से पूछता हूं कि भाई सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, इसमें ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वर्ण जो है वो विच्छेद कैसे करेंगे, आप किसी शब्द का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। अब आप देखिए इनमें सोचते होंगे कि पहले स्थान पर क्षमा आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, फिर ये क्रम आना चाहिए या फिर ऐसा, आप ऐसा कुछ नहीं है, केवल आपको यहां ध्यान रखना है कि करना क्या है। जैसे वर्ण विच्छेद कर दीजिए आप, वर्ण विच्छेद किया आपने क्षमा का, तो सबको पता है कि भाई मैंने पहले ही बताया था इन संयुक्त वर्णों को आपको ध्यान ये रखना है कि इनका योग देख लीजिए आप, कै प्लस सै के योग से बनता है, ये योग कर दिया मैंने, इसका टुकड़ा कर दिया, कै हलंत कर दिया, फिर प्लस शय लिख दिया, ठीक है, फिर प्लस मैं है तो मैं हलंत करके फिर आ लिख दिया क्योंकि आ की मात्रा है, ये इसका योग बन गया। अब कया का योग करना है तो कै लिख दिया क्योंकि भाई हलंत ऐसे नहीं किया क्योंकि पहले से ही आता है, ये आधार लिख दिया, फिर यह लिख दिया, ये यह लिख दिया, फिर यह को हलंत करके मैंने आभार लिख दिया, ठीक है, इसी तरह से कंवार को लिखना है, कै लिख दिया, फिर वह लिख दिया, फिर आभार कर दिया अलंत करके आ लिख दिया, फिर रह लिख दिया, और इसी तरह से देखिए क्रम, कै लिख दिया,
ये देखिए, अब यहाँ दिक्कत आएगी आपको। आप ये सोचते होंगे कि ये रे पूरा है या आधा है, आप ये सोचते होंगे कि जो रे ऊपर और नीचे लग जाते हैं आधे हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो नीचे रे होता है वो पूरा होता है। ध्यान रखना, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि जो नीचे रे होता है ना वो आधा होता है, सॉरी पूरा होता है, क्योंकि ये देखिए इसको कंधे के ऊपर उठाए हुए है ना, कह को कंधे पर कौन उठाया हुआ है, रे उठाया है। अगर ऊपर होता है तो आधा होता है ये, तो ये पूरा है कै प्लस कै आधा है प्लस रे पूरा है प्लस ए लिख दिया, फिर प्लस मैं लिख के फिर ए, ये हो गया इसका अक्षर, इन शब्दों का वर्ण विच्छेद कर दिया मैंने। तो अब आप खुद को देखना है कि भाई यहां पर भी कै है आधा कै है, यहां भी आधा कै है, इसमें देखा है यहां भी आधा कै, यहां भी आधा कै, यहां भी आधा कै। पहले पहले स्थान को कट कर दीजिए आप, कर दिया भाई सेम है क्योंकि ये सारे सेम है। अब दूसरे नंबर पर देखेंगे आप, यहां पर आया सै, यहां पर आया यह, यहां पर आया वह और यहां पर आया रह। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले यह आता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि इन शब्दों में किसमें, सै में से, यह में से, वह में से और रह में से सबसे पहले कौन सा आएगा, यह आएगा, फिर रह का नंबर आता है, फिर वह का नंबर और फिर सै का नंबर। ऐसा नहीं, क्योंकि इन शब्दों में ही देखा है हमने, इन शब्दों में देख लीजिए आप खुद पहले भाई कौन सा आएगा, इनमें सै में से, य में से, व में से और र में से पहले कौन सा आए, तो आपको वर्ण आना चाहिए और उनका क्रम पता होना चाहिए, तो ही तो ठीक बन सकता है। तो क्रम में आपने देखा कि सबसे पहले यह आएगा, फिर र आएगा, फिर व आता है, फिर स आता है, यही तो क्रम ठीक बनेगा इन चारों शब्दों का, ये क्रम ठीक बनेगा। तो इन शब्दों में आप देखिए सबसे पहले क्या आएगा, यह आ गया तो क्या आ गया, फिर कह रह आता है तो कर्म लिख दिया, फिर कंवार वह आता है तो कंवार लिख दिया और फिर अक्षमा लिख दिया। तो ये इनका क्रम था, सबसे पहले स्थान पर कौन सा आएगा, क्या आएगा, इन शब्दों में, इन शब्दों में ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले यह किस में है, इसमें है, फिर पता है रह, रह किस में आया, रह आया इसके अंदर तो दो नंबर पर लिख दिया, फिर तीसरे नंबर पर क्या आया, वह किस में है, इसमें है, और फिर सह तो लास्ट में आया, तो सह लास्ट में आया तो अक्षमा लास्ट में मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। एक देखिए, एक तो इसमें अंतर ध्यान रखना है, स्र और री की मात्रा और श की मात्रा में। देखिए स्र है जैसे स प्लस र, ये तो है इसमें आपको बताया कि र है, ये लिख दिया मैंने र, फिर री ऋषि वाला ध्यान रखना है कि स प्लस री है यहां पर, री श्रृंग, ठीक है, तो स री ये आ गया। तो अब इन दोनों में से ये कहें आपको कि ये पहले आया है फिर ये पहले आए, तो आपको क्योंकि यहां भी स है यहां भी स है सेम है, फिर यहां देखा आपने री, तो री क्यों आया, पहले री आ गया तो ये क्यों आएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि पहले स्वर देखे जाएंगे तो स्वर में आ गया री, और ये रह तो बाद में आता है तो पहले ये वाला आएगा। अब देखिए जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूं आपको, एक शब्द लिखा हमने श्रीस, एक लिखा श्रद्धा, एक लिखा श्रद्धांजलि, सॉरी भाई श्रद्धांजलि में मात्रा छोटी आएगी, श्रद्धांजलि में छोटी मात्रा आती है, शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है, ध्यान रखना है, श्रद्धांजलि लिख दिया, एक श्रृंगार लिखा। अब इनमें क्या ध्यान रखना है आपको कि जैसे आपका, आपने इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, श्री तो सबसे पहले स लिखा, देखिए भाई मैं दोबारा बता देता हूं कि इनका वर्ण विच्छेद करना बहुत जरूरी है, अगर आपको वर्ण विच्छेद करना आता है तो आपका टॉपिक ठीक है, वरना आपका टॉपिक गलत हो जाएगा। तो ये देखिए श्री का देखिए, क्योंकि स है आधा, श्री रे श आधा कर दिया, रे अनंत कर दिया, ई की मात्रा लगा दी, क्योंकि ये है ई की मात्रा लगा दी, ई बार कर दिया, ठीक है, फिर स लिख दिया, फिर अनंत लगा के ए लिख दिया। ये देखिए श्रद्धा में देखिए आप, श्रद्धा श लिख दिया, फिर रे लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर द, श्रद्धा धा बोल रहे हैं ना, तो भाई मैंने बताया था जिसके ऊपर ये अपने कुए पर लिए बैठे हैं, ये तो दह पूरा है, इसमें पता ही है स्टेपनी का कार्य कर रहे हैं, तो श प्लस रे प्लस ए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, फिर दह अनंत कर दिया, फिर क्योंकि ये आता ही है तो इसलिए ए बार नहीं लिखा, और दह और आ बार क्यों लिख दिया, क्योंकि अनंत कर दिया, ठीक है, श्रद्धा हो गया। श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि का वर्ण विच्छेद कीजिए, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, अगर वर्ण विच्छेद आता है तो आपका टॉपिक ठीक चला जाएगा, वरना गलत हो जाएगा, इसमें कोई नियम ही नहीं है, वर्ण विच्छेद वर्ण के हिसाब से ही देखना आपको। तो श्रद्धांजलि में देखिए श है प्लस र है प्लस ए है, बाहर कर दिया, फिर द हलंत कर दिया,
और क्योंकि ये आधा ही है इसलिए बाहर नहीं लिखा और दया करके आंजलि आ कर दिया और फिर जय लिख दिया, फिर ए लिख दिया और अनंत करके लै लिख दी कर दिया, फिर ई लिख दिया आपने, तो ये क्या बन गया आपका श्रद्धांजलि बन गया। अब देखिए श्रृंगार, तो श्र गा और लय, तो स लिख दिया, फिर री लिख दिया, फिर गै लिख दिया, फिर आ लिख दिया, फिर लय लिख दिया, फिर ए लिख दिया। इसमें देखिए आपको वर्ण विच्छेद नहीं करना आता होगा, इसीलिए आपका ये क्वेश्चन गलत जाता होगा, वरना इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है भाई। देखिए कैसे, अब आपने देखा इसमें भी स है, तीनों में स है, चारों में, चारों शब्दों में स है, कट कर दिया, कट कर दो आप भी। अब दूसरे नंबर पर देखेंगे र आ गया, र आ गया, र आ गया, इसमें री आ गया। अब आप खुद ही बता दो, पहले री, मैंने आपको पहले ऊपर नियम बताया कि सबसे पहले अनुस्वार अनुनासिक विसर्ग वो इसमें है ही नहीं, तो क्या देखेंगे सवर, पहले सवर आएंगे, सवर आते ही देखिए ये आ गया री, तो पहले स्थान पर ही देखना आपको ये आ गया री, तो पहले पर कर दिया। अब देखिए सबसे बड़ी मिस्टेक और कर देते हैं आपकी, इसको साथ साथ लेके चलेंगे इनके भी, नहीं इसको छोड़ दीजिए यहीं, पहले नंबर पर आ गया भाई, पहला देखना था, पहले नंबर पर आ गया क्योंकि री आ गया, री आते ही आपको पता चला आगे जाने की जरूरत नहीं है, अब ये आ गया, देखिए आपको पता चल गया भाई हाँ ये नंबर फर्स्ट पर आ गया, इसको छोड़ दीजिए। अब यहां देखिए आप इन दोनों में, अब आपको पता चला भाई इन दोनों में कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन किस में चला, र है ए है, र है ए है, द है द है, द है द है, आ है और आ है, तो यहां कंपटीशन चला ना, तो पहले इन्हीं का तो समाधान करो कि भाई दूसरे स्थान पर कौन सा है, यहां तक ये सेम सेम चल रहा है देखो ये, और ये भी सेम सेम चल रहा है तो आ गया। और वैसे भी मैंने क्या बताया था, अगर आप ये कहोगे अब कि ई का क्यों नहीं देखा है इनसे पहले, तो अब इनके आगे क्यों जा रहे हो, आपको पता है कि मैंने फिर ये बताया था कि भी दूसरे नंबर पर आपको ये देखना है कि अनुस्वार या फिर अनुनासिक तो नहीं है, तो इस शब्द में देखिए ये आ गया अनुनासिक, तो भाई आपको अच्छे से पता है कि ये आएगा दूसरे नंबर पर, तो ये आ गया श्रद्धांजलि आ गया दूसरे नंबर पर। अब देखिए तीसरे नंबर पर, अब देखना है श्रद्धा, तो यहां देखिए इन दोनों में कंपटीशन था तो ये श्रद्धा आ गया, अब लास्ट में कौन सा बचेगा, शीर्ष बचेगा, ये लिख दीजिए। तो इनका ऐसे क्रम लगाना होता है, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद देखिए एक अंतर इसमें, जैसे क र क प्लस र आ गया, क्री क प्लस री, तो ऐसे ही देखिए ट्रक ट्र है, ट अलंत है, र पूरा है इसमें, ऐसे ही देखिए हर है, र श और व लिख दिया जैसे हृषव, और एक हृदय लिख दिया हृदय। तो अब आप देखिए इसमें अंतर कैसे करेंगे कि भाई यहां पर तो र है और यहां पर री है, तो आप खुद ही बता दो कि ए तो सेम हो गए, फिर आप खुद देखिए कि री पहले आएगा या फिर र पहले आएगा, तो री पहले आएगा तो ये पहले आएगा, समझे बात। अब देखिए मैं आपको एक और, अब आप खुद देखना है भाई, मैंने प्रश्न लिखा है कि शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा प्रथम स्थान पर होगा, ठीक है। अब एक लिख दिया कक्षा, कक्षा क्षमा क्लेश कृपया, तो आप इसमें क्या ध्यान रखना है, आपको खुद बना के देख लेना है, जैसे आपको खुद बनाना है भाई, मैं इसका वर्ण विच्छेद कर दूं, क अलंत करके लिख दिया ए, ठीक है, फिर प्लस लिखता हूं क, फिर हलंत लगा के लिखता हूं श, फिर प्लस का लगा के लिखता हूं आ, एक का तो ये बनेगा कृपया। अब देखिए कक्षा का ये हो गया, अब देखता हूं मैं जैसे कृपया, दूसरा ऑप्शन देखता हूं भाई कृपया, ये कक्षा का हो गया, दूसरा नंबर लिखता हूं मैं कृपया का, कि भाई कृपया का क्या बनेगा, तो आप खुद देख लेना है कृपया का क्या बनेगा। तो देखिए क प्लस री प्लस री के बाद में क्या आएगा, देखिए क प्लस री प्लस प प्लस आ, यही तो बनेगा। अब मैं लिखता हूं जैसे क्लेश, क्लेश लिख दिया भाई क्लेश, आप खुद इसका वर्ण विच्छेद कर दीजिए, क अनंत है, अनंत रहने दो, प्लस ल है, फिर अनंत करूंगा मैं, ए लिखूंगा, फिर प्लस का स लिखूंगा, फिर ए लिखूंगा, ठीक है। अब बच गया क्या आपका क्षमा, बच गया क्षमा शब्द में, देखिए आप खुद ही देख लीजिए, क देखिए क अनंत प्लस स, ठीक है, श लिख दिया, फिर प्लस से मैं, फिर प्लस से, ठीक है, या फिर ए बार लिख दीजिए सही, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनंत करके ए, फिर प्लस मैं प्लस आ। तो इसमें देखिए आप इन इनमें पहला 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 सभी में सेम भाई, चारों में सेम हो गया, छोड़ दीजिए आप, पहले स्थान का नहीं पता चला।
अब दूसरे नंबर पर यहां पर तो है ऐ भाई, और यहां पर है री, और यहां पर ल, और यहां पर श आ गया, ये स श। तो अब आपको खुद को पता है कि इनमें ए में से देखिए आगे नहीं जाना, पहले इन्हीं का हिसाब कर दीजिए आप भाई, इन दो नंबर वाले पर हिसाब कीजिए ना, यहां ए, यहां री, यहां फिर ल, फिर यहां स, तो आप किसको अंतर करेंगे आप? तो यहां यही तो देखेंगे कि भाई ए आ गया, इसमें सबसे पहले ए आएगा, तो ए आएगा ना तो कौन सा आएगा, पहले पहले पर तो पक्ष आएगा, फिर री वाला आएगा तो दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, कृपया आएगा, फिर कौन सा आएगा, ल पहले आएगा या स पहले आएगा, ल पहले आए या स पहले आए, तो लैस पहले आता है तो क्लेश कर दिया, और अक्षमा तो लास्ट में आ गया भाई, क्योंकि कै प्लस सै, सै तो लास्ट में ही आएगा ये रह लव के बाद। तो ये ध्यान रखना आपको, एक बार दोबारा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ ए, यहाँ पर ए है, यहाँ पर री है, यहाँ पर ल है, यहाँ पर स है, तो सबसे पहले री वाला आएगा, सॉरी सबसे पहले ए देखेंगे हम, तो ए इसमें आया, कक्षा वाला आ जाएगा नंबर एक पर, दूसरे पर कृपया आ जाएगा क्योंकि री आता है उसके बाद, फिर स और ल में से कौन सा आएगा, पहले ल आता है तो क्लेश आ गया, और फिर स आता है तो अक्षमा सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो ऐसे ध्यान रखना। आपको एक और उदाहरण दे देता हूं आपको, जैसे कि निम्नलिखित में से प्रथम स्थान पर कौन सा आएगा, एक लिख दिया गवाला, एक लिख दिया गवेश, एक लिख दिया गृधव, और एक लिख दिया गर्व। तो आप इसको खुद वर्ण विच्छेद कीजिए, मैं नहीं करूंगा, आप खुद कर दीजिए। जैसे मैं लिखता हूं गवाला, गवाला का वर्ण विच्छेद मैं कर दूं भाई ग प्लस, क्योंकि ग ए बाहर नहीं लिखे क्योंकि आता ही है, फिर व लिखता हूं मैं ग प्लस व प्लस आ प्लस ल प्लस आ गवाला, फिर मैं लिखता हूं भाई गवेश गवे श और ना गवेश ना। तो देखिए ग हलंत कर देता हूं मैं, ग प्लस ए प्लस व प्लस ए प्लस सॉरी ए प्लस श प्लस न प्लस आ, फिर गर्धव लिखता हूं, तो देखिए ग प्लस ए प्लस र हलंत है प्लस भ हलंत है, फिर ग्रव लिखता हूं ग्रव ग हलंत ए प्लस र प्लस व प्लस द ए सॉरी ए लिखना या ए। तो इन सब में आप खुद देख लीजिए कि पहले स्थान पर कौन सा आए, यहां पर भी गया है, यहां पर भी गया है, यहां पर भी गया है, ठीक है ना। और फिर अब बात आ गई, ये सारे सेम हो गए भाई, आधे आधे कर दिए सेम हो गए। अब यहां दूसरे नंबर पर आप खुद देख लीजिए, इन दोनों में से खुद देखिए आप, यहां वह है, यहां ए है, यहां ए है, और यहां भी ए है, ठीक है। अब देखिए यहां भाई ए ए आ गया और यहां ल है, तो इसका तो मतलब इनमें, अब इनमें आना है, इनमें आना है तो क्या देखना है, देखिए यहां पर अब तीसरे नंबर पर चलते हैं हम, यहां ए, यहां ए, यहां ए, कोई अंतर नहीं बना, यहां पर ल। अब यहां आ जाइए आप कि भाई ल में से व में से र में से और र में से, अब देखिए यहां पर भी रह गया, तो इनमें कौन सा पहले आए, ये देखिए यहां थोड़ा मिस्टेक है, ये ग आधा आएगा, गवेशना गवेशना में ग आधा है, तो इनमें देखिए आधा करते यहां पर क्या आएगा, वह आएगा, और यहां पर वह आते इनमें देखिए वह पहले आया, ल व र में से, आपको ये अच्छे से पता है कि यहां ग प्लस ए आ गया तो गर्धव आएगा, और यहां ए है यहां र, तो पहले कौन सा आएगा, गर्धव आ जाएगा। तो निम्नलिखित में से प्रथम स्थान पर कौन सा होगा, गर्धव होगा, ठीक है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आशा करता हूं कि समझ में आया होगा, और अगर अच्छी लगी हो तो इसमें थोड़ा ध्यान ये भी रखना है, आज थोड़ा तकनीकी खराबी के कारण थोड़ा अच्छे से समझ नहीं आया होगा आपको, क्योंकि अब दूसरा ध्यान ये रखना है, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। केवल इसमें ये ध्यान रखना आपको कि इनका वर्ण विच्छेद करना सीख गए तो आपका टॉपिक क्लियर है, वरना आपका टॉपिक आपका क्लियर होगा नहीं, तो ये विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप इनको वर्ण विच्छेद करना सीखिए, कोई भी शब्द देता है उनका वर्ण विच्छेद करना सीखिए, उसके बाद आपका टॉपिक अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आज के लिए इतना ही कीजिए। अपना अगला जो टॉपिक होगा कल मैं संधि के बारे में बताऊंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आज के लिए कीजिए इतना ही, धन्यवाद।